प्रतापगढ़ जिले में नहीं रुक रहा है ओवरलोड वाहनों का संचालन। तस्वीरें रानीगंज कोतवाली इलाके के लच्छीपुर बाजार की हैं, जहां बालू लाद कर जा रही 8 ट्रकों को आज पुलिस ने पकड़ लिया और इनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल जैसे ही बालू लाद कर जा रही इन ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद से ही इलाके के जो दलाल हैं वह सक्रिय हो गए हैं और लगातार पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि पुलिस बड़ी कार्रवाई करने के पूरी तरीके से मूड में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इन सभी ट्रकों को लच्छीपुर के पास एक बाग में खड़ा कराया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पूरे प्रतापगढ़ के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार ओवरलोड ट्रकों का संचालन बदस्तूर जारी है, जिसके लिए जिम्मेदार विभाग RTO पूरी तरीके से मूक दर्शक बना रहता है, जिसकी वजह से ट्रक संचालक अपनी मनमानी पर उतर रहते हैं और ओवरलोड गाड़ियों में बालू लाद कर आए दिन सड़कों पर चलते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ सड़क खराब होती है बल्कि राजस्व विभाग को भी लाखों रुपए का चूना लगता है। फिलहाल रानीगंज पुलिस ने ऐसे ही 8 ट्रकों को उस वक्त पकड़ा जब वह ओवरलोड बालू लाद कर जा रहे थे। तभी पुलिस ने इनका पीछा किया और एक के बाद एक सभी ट्रकों को पकड़ने के बाद उन्हें लच्छीपुर इलाके के एक बाग में खड़ा करवाया। फिलहाल जहाँ एक तरफ रानीगंज पुलिस अपने कर्तव्यों को लेकर अच्छा काम कर रहे, तो वहीं ERTO विभाग के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्लोबल भारत संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।